जिनकी मूछें निकाल देते हैं उनको हाजी कहते हैं। पूरा मुसलमान हो गया, हाँ मूछें निकाल दी, दाढ़ी रह गई। क्या जो संपूर्ण ब्रह्मा के चित्र दिखाए जाते हैं उसमें मूछें दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? नहीं, मूछें खत्म और दाढ़ी दिखाते हैं। ध्यान से देखना, ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है? ब्रह्मा की यादगार कहाँ है? अजमेर में। अजमेर में मुसलमानों का मेला लगता है कि नहीं? बड़ा भारी, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला मुसलमानों को कहाँ लगता है? हैं? वो यादगार कहाँ की है? हैं? ब्रह्मा की यादगार है। जो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाली या ब्राह्मण है वो कहाँ सबसे जास्ती तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं? माउंट आबू में इकट्ठे हो रहे हैं। तो मुसलमानों ने ब्रह्मा को फॉलो किया है पूरा। मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने वाले जो ब्राह्मण हैं, वो भी किसको फॉलो कर रहे हैं? है? त्रिमूर्ति में किसको फॉलो कर रहे हैं? ब्रह्मा को ही फॉलो कर रहे हैं। और भक्ति मार्ग में त्योहार मनाए जाते हैं या प्रैक्टिकल में त्योहार होता है? हैं? प्रैक्टिकल में उत्सव हमारा है, वो सिर्फ मनाते हैं। और मनुष्य जाति सबसे बड़ा जाति है? मनुष्य जाति सबसे ऊंची जाति है। तो ये फूल की नक्षत्र सब है जो आकाश में सितारे दिखाते, वो जड़ है या चैतन्य है? मनुष्य तो चैतन्य है। आकाश में जो सूर्य चांद सितारे वगैरह हैं वो जड़ है या चैतन्य है? हैं? वो तो जड़ है। और हम तो चैतन्य सितारे हैं धरती के। ज्यादा ताकत चैतन्य में होती है या जड़ में होती है? चैतन्य में ज्यादा ताकत। चैतन्य जब परिवर्तित होगा तो वो सितारे भी परिवर्तित हो जाएंगे। ये चैतन्य जब चंद्रमा पृथ्वी के साथ मिलकर एक हो जाएगा तो सारा परिवर्तन हो जाएगा। ये रुद्रमाला और विजयमाला मिलकर एक हो जावे तो दुनिया का परिवर्तन हो जाएगा। वो जड़ में पहले परिवर्तन होगा या हम लोगों के अंदर चैतन्य ब्राह्मणों में पहले परिवर्तन होगा? चैतन्य ब्राह्मणों में पहले परिवर्तन होगा। हाँ जी, अभी भी 10 मिनट हैं। भारत की जमीन को विदेशियों ने ऑक्यूपाई नहीं किया गया? नहीं, चाइना वाले अभी अंत में पूरा उनका येलो रेस विल रूल द वर्ल्ड, येलो रेस विल रूल द एंटायर वर्ल्ड। क्या मतलब? माने जो पीला रंग वाला है वो पूरा देश को राज्य करेगा। हाँ, पूरे देश को राज्य करेगा माने भारत सारी दुनिया को राज्य नहीं करेगा? चाइना विश्व का जो शासक है वो चाइना होगा या भारत होगा? भारत होगा, लेकिन वो शास्त्र में लिखा हुआ है
ट्राई तो सारे ही करते हैं। ऐसे कोई देश वाला, ऐसे कोई धर्म वाला है जो ट्राई नहीं करता विश्व के ऊपर शासन करने के लिए? सारे ही शासन करने के लिए मेहनत करते हैं कि हम सारे विश्व के ऊपर विजयी हो जाएं। चाइना भी करेगा, क्या बड़ी बात? एक मिसाइल के द्वारा सब भारत को उड़ा देगा वो। एक एक मिसाइल के द्वारा भारत देश को पूरा उड़ा देगा। ये मनुष्य कह रहे हैं या भगवान कह रहा है? मनुष्य अपनी मनमत चला रहे हैं, भगवान अपनी बात कह रहा है। सच्चा कौन साबित होगा फिर? मनुष्य मत न सुनो और न सुनाओ, मनमत न चलाओ और न दूसरों को सुनाओ। भारत इंडिया का नाम है, इंडिया भी एक दूसरा नाम है, तो उसका ये इंडिया नाम विदेशियों ने रखा है या स्वदेशियों ने रखा है? इंडा, ये इंडा, दुनिया का इंडा, ये नाम विदेशियों का रखा हुआ है या भारतवासियों का रखा हुआ है? है? तो जिसने नाम रखा है उसने अनुभव किया होगा। क्या अनुभव किया होगा? कि जब लक्ष्मी प्रत्यक्ष होगी तो इंड आ जाएगा। ये लक्ष्मी भारत माता है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, अंत हो जाएगा। पूरा देश बाकी देश कुछ नहीं रहेगा। अरे पहले ब्राह्मणों की दुनिया में तो एक हो जाएं, तब बाहर की दुनिया में एक होंगे। और वास्तु का मतलब क्या है? वास्तु, वस्तु से पड़ा है वास्तु। कोई वस्तु होती है ना, ये गिलास, ये वस्तु है, ये कागज, ये वस्तु है, ये तकिया, ये वस्तु है। लेकिन जितने भी दुनिया में वस्तु हैं उनमें सबसे बड़ी वस्तु मनुष्य कौन सी तैयार करता है? जिस वस्तु के तैयार करने में मनुष्य सबसे आगे चला गया, है? सामान्य मनुष्य भी वो वस्तु तैयार करता है, और जो बड़े बड़े जहीन हैं वो भी वो वस्तु तैयार करते हैं। वो जहीन जो हैं, वो वस्तु को, उस वस्तु को बनाने के साथ साथ उसको मिटाने की भी वस्तु तैयार करते हैं। जो दुनिया के जहीन लोग हैं, दिमागी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो एटम बम बनाए रहे हैं। फिर वो बड़े बड़े मकान बनाए रहे हैं कि नहीं है? वो भी है वास्तु, तो वो उनकी रचना है। वस्तु का बच्चा वास्तु, क्या? मन का बच्चा मनुष्य, ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, विष्णु का बच्चा वैष्णव। ऐसे वस्तु की रचना वास्तु। ये जो मकान है ना, ये वास्तुकला है। भगवान भी आकर के वास्तुकला का निर्माण करता है कि नहीं है? सारी विद्याएं कौन पढ़ाता है पहले पहले दुनिया में?
है, भगवान ही आके पढ़ाता है। तो भगवान बड़ा है तो बड़ा आर्किटेक्ट है। मनुष्य बड़ा वास्तुकला विज्ञ है या भगवान बड़ा वास्तुकला विज्ञ है? हैं? मनुष्य की वास्तुकला फेल हो रही है या भगवान की वास्तुकला फेल हो रही है? आज कितने बड़े बड़े इंजीनियर अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं और नदी में बाढ़ आती है, सारी प्लानिंग बह जाती है। नंगल डैम जिन्होंने बनाया होगा वो ये थोड़े ही जानते हैं कि सारी दिल्ली बह जाएगी जब वो नंगल डैम टूटेगा, जानते हैं? लेकिन बाबा ने बताया। तो बाबा वास्तुकला विशारद है या नहीं है? ओ, सबसे बड़ा वास्तुकला विशारद है। और ब्राह्मण की दुनिया में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है। हाँ, ब्राह्मण की दुनिया में है क्या? हाँ, क्यों नहीं है? ऐसा है दुनिया में कौन सी चीज जिसका बीज ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं है? ब्राह्मणों की दुनिया में बीज है तो बाहर की दुनिया में बीज का बच्चा पैदा होगा। यहाँ बाप नहीं है, यहाँ बीज नहीं है, तो दुनिया में भी वो पैदाइश नहीं हो सकती। 500 करोड़ के बीज हैं कहाँ? ब्राह्मणों की दुनिया में। अरे बौद्धि धर्म है जिसके द्वारा चलाया जाता है उसका नाम है सिद्धार्थ। तो उसका भी कोई बाप हुआ है कि नहीं? हिस्ट्री में उसका नाम है, क्या नाम है? शुद्धोधन। और जो शुद्धोधन हुआ है, सिद्धार्थ को जन्म देने वाला, 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, उसका भी कोई बाप हुआ होगा कि नहीं? पहले तो ऐसी परंपरा चलती थी, बाप का भी नाम पूछते थे, दादे का भी नाम पूछते थे, परदादे का भी नाम पूछते थे, तरदादे का भी नाम पूछते थे, और तीनों चारों पीढ़ियां जिंदा रहती थी। तो बाप भी है सिद्धार्थ का, शुद्धोधन। शुद्धोधन का भी बाप था, कौन था? बिंबिसार। फिर उसका भी कोई बाप रहा होगा कि नहीं? है? जितने भी बौद्ध धर्म के बिंदु बिंदु आत्माएं हैं उनका सार है बिंबिसार, और उसका भी बाप, धर्म पिताओं का भी बाप कौन है? है? प्रजापिता। और इसलिए वो सूर्य को बहुत मुक्ति देते हैं, जैसे अपन आत्मा को मुक्ति देते हैं। हाँ, तो किसका बच्चा है वो? ज्ञान सूर्य जब इस सृष्टि पर आया तो उसने कौन धर्म, कौन से धर्म को, विधर्मी धर्मों में कौन से धर्म को ज्यादा तरजीह दी, कौन से धर्म को ज्यादा महत्व दिया? भारतीय धर्मों को महत्व दिया होगा या विदेशी धर्मों को महत्व दिया होगा? भारतीय धर्मों को महत्व दिया। भारतीय धर्मों में मुख्य धर्म कौन सा है विदेशियों में? बौद्ध धर्म। जो भी भारतीय धर्म है उनमें सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा हट्टे कट्टे मोटे ताजे कौन से धर्म में देखे जाते हैं? बौद्धियों में देखे जाते हैं। चेहरा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो प्योरिटी की पावर है या नहीं है? प्योरिटी की पावर है। श्वास पर श्वास ध्यान, श्वास पर श्वास ध्यान है। और
हाँ जी बोलो बोलो बोलो। महीने का संगठन यहाँ मिनी मधुबन बन गया, वेलूर में बन गया, तो वहाँ जाना यहाँ है तिरुपति में महीने का संगठन जाते हैं यहाँ या वेलूर में? दोनों दोनों जगह इकट्ठा होता है क्या एक ही दिन? अलग अलग दिनों में होता है, तो क्यों नहीं जा सकते? जिसको ज्यादा लगन होगी वो दोनों जगह जाएगा, जिसको अपने रथ की ज्यादा लगन होगी तो क्या करेगा है? तो रथ के धंधों में लगेगा या आत्मा के धंधे में लगेगा? सारा मधुबन में फर्स्ट वीक पूरा मधुबन में महीना का फर्स्ट संडे है ना? फर्स्ट संडे में यहाँ तो तमिलनाडु में अभी दो ही है ना, दो ही है कि नहीं? तो 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंतर में अपना मासिक संगठन बना लो। अगर आप पहले में रखते हैं तो तिरुपति वालों से कंप्रोमाइज करो कि भाई तुम 15 बार रख लो, 15वें दिन रख लो। आप 15 तारीख को रखते हैं तो आप पहली तारीख को रख लो। तिरुपति आंध्रा स्टेट में है, आंध्रा में है ना? लेकिन वो आंध्रा में मनुष्यों को बनाया हुआ है, लेकिन हमारे हिसाब से नजदीक कौन है? अभी हमारे हिसाब से जो चेन्नई वालों को लागू होता है, सेलम वालों को लागू होता है, त्रिची वालों को लागू होता है, और ये क्या नाम कोयम्बटूर को लागू होता है, और ये तिरुपति वालों को लागू होता है, है? इन सबको जो नजदीक पड़ता है वो तो दो ही है ना, तो वो अपने को ऐसे समझे कि हमारा ये जोन बन गया ब्राह्मणों का। बंगलौर तो दूर है, उसे छोड़ दो, सारी रात सफर करके ही थक जाएंगे। हाँ कोयम्बटूर वालों को बंगलौर भी नजदीक हो जाता है, वो तिरुपति नहीं जाएंगे, कहाँ आएंगे? बंगलौर में जाएंगे या तो बेलूर में आ जाएंगे। और ओम शांति।
हाँ जी भविष्य में आगे चल के खुशी बढ़ेगी या दुख आएगा वो अभी से ही उमंग उत्साह में देखा जाता है। कल क्या होता है और कल क्या होता है वो भी पता चलेगा। जब 84 जन्मों का पता चलेगा तो ये पता नहीं चलेगा कि कल क्या होता है और परसों क्या होने वाला है। लेकिन सूक्ष्म बनेंगे तब, जब तक देहबान है, अपन को स्थूल देह समझते हैं तो पता नहीं चलेगा। सूक्ष्म बनना माने आत्मा सूक्ष्म स्थिति में रहे, मनन चिंतन मंथन की गहराइयों में जाने वाली बने। अंत भी धीरे धीरे होगा, कोई का जल्दी भी हो जाएगा तो कोई का जल्दी होगा, कोई का देर में होगा, होगा जरूर। बाबा तो कहते हैं कि शिव बाबा तो अंतर्यामी है, मैं तो बहिर्यामी हूं। तो किस आधार पर कहते हैं कि शिव बाबा अंतर्यामी है, मैं बहिर्यामी हूं? बाहर की एक्टिविटी से समझ जाता हूं ये बच्चा कैसा है। तो एक्टिविटी को भी समझने के लिए मन बुद्धि की गहराई, मन बुद्धि की सूक्ष्मता चाहिए या नहीं चाहिए? कोई कोई तो ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं जो चेहरा देकर के भविष्य बता देते हैं। तो ये बुद्धि की सूक्ष्मता है, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। ये मन बुद्धि रूपी आत्मा जितनी सूक्ष्म बनती जाएगी, सूक्ष्म बाप को याद करते करते, उतना ही हम इस दुनिया को छोटा करके देखने के आदि बन जाएंगे। अपन को देह समझते हैं तो ये दुनिया भी बहुत बड़ी दिखाई देती है, छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी लंबी चौड़ी दिखाई देती है। आत्मा समझेंगे तो दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या कोई बड़ी नहीं दिखाई देगी, छोटा करके इधर से उधर करते रहेंगे। और प्रैक्टिस की बात है, अभी भी सूक्ष्म बन रहे हैं, कोई तीव्र गति से बन रहा है, कोई धीमी गति से बन रहा है। तरीका भी बता दिया, जहां हमारा तन होगा, जहां हमारा धन होगा, वहां हमारा मन होगा। तन और धन जितना ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करते हैं, उतना मन हमारा ईश्वर के याद में लगता है। ईश्वर की याद में मन जब स्वाहा होता है तो देह भान घटता जाता है, आत्माभिमान बढ़ता जाता है। आत्माभिमान बढ़ना माने सूक्ष्म होना। आखिरी काल किसको कहते हैं शंकर? आखिरी काल किसको कहते हैं शंकर को नहीं ऐसे बताया? जवाब किसको काया? शंकर तो नहीं ऐसे बनाया। अंत में शंकर का तो ना अंत है ना आदि है, तो किसको काया ऐसे प्रश्न पूछा? और आत्माओं के लिए जो भी है, एक आत्मा को छोड़ करके बाकी जो आत्मा है उनका आदि और अंत है।
लेकिन जो अनादि है उसके लिए नहीं कह सकते। शंकर का तो ना आदि है ना अंत है, उनके छोटे सभी को और बाकी सब सबका आदि है सबका अंत है, दिखाते भी हैं कि ब्रह्मा और विष्णु शिवलिंग का आदि और अंत खोजने चले। ब्रह्मा बार बार शिवलिंग में ऊपर तक गए और नीचे तक आए, बार बार चक्कर लगाने पर भी ना उन्हें आदि मिला ना अंत मिला। तो लिंग का अर्थ ही है परमात्मा शिव, जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं वो शरीरधारी ही शंकर है। आदि पुरुष कहा जाता है, तुमादि देव है पुरुष है पुराण है, तुमस्य जगतस्य परम निधानम, ऐसे शास्त्रों में गायन है। बीज अनादि होता है, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज अनादि है, न इसका आदि है और न उसका अंत है। इसलिए मुरली में कहीं बोला होगा, तारीख नोट करके रखनी चाहिए। लौकिक पक्ष से वस्ता नहीं मिलता है, बंद नहीं मिलना बंद होता है, बंद हो जाता है, बंद हो जाता है नहीं बंद होता है, वस्ता मिलना शुरू होता है, उसका मतलब क्या होगा? जब वर्षा मिलना शुरू होगा तो लौकिक बाप से वर्षा मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि ताबड़तोड़ बिना शुरू हो जाएगा। लौकिक बाप लौकिक बाप शरीर को जन्म दिया है, लौकिक बाप वो हद का बाप है। शरीर हद में है या बेहद में है? हद में। ये हद की दुनिया है, परम धाम बेहद की दुनिया है। यहाँ हम हद का जन्म लेते हैं परम धाम में, और स्वर्ग में बेहद के जन्म लेते हैं, वहाँ बेहद का सुख है। यहाँ सुख भी है तो हद का है, शांति भी हद की है, वहाँ सुख और शांति दोनों बेहद की है। पापा, अंत में नवलक धरती की नवलक सितारे चमकेंगे, उनमें 4.5 लाख आत्माएं प्रवेश करेंगे, वो दुनिया को कैसे पता चलेगा बाबा एक ही शरीर में दो आत्माएं? अभी आपको पता चला कि नहीं? आपको पता चला ना, तो जैसे ज्ञान के द्वारा आपको पता चलता जाता है वैसे दुनिया वालों को भी धीरे धीरे पता चलता जाएगा। प्रत्यक्ष कैसे बाबा? 4.5 लाख बीज रूप बाप हैं और उनसे 4.5 लाख बच्चे जन्म लेंगे, वो बच्चे के रूप में हैं जन्म लेने वाले, वो जन्मदाता हैं, वो जन्म लेने वाले हैं। माना वो 4.5 लाख ज्ञान देते हैं बाबा? जो बीज रूप बाप हैं वो ही तो दाता हैं, बाप ही तो बच्चों को देता है। अमेरिका का अखबार में आया था कि कलकत्ता का जौहरी को कहा जौहरी कहा कहता है कि हमको 400 मिल गए और 16,000 और चाहिए, ये जौहरी किसके लिए लागू होता है? दोनों ही जौहरी थे।
पर्टिकुलर कौन है? दादा लेखराज भी जौहरी था और उसका भागीदार भी वो भी जौहरी था। किसने ऐसे बताया? जौहरी की बात बताई। यज्ञ के आदि में पीयू की वाणी चलती थी या ब्रह्मा की वाणी चलती थी? तो पीयू कौन था? प्रजापिता ही पीयू था। उसी की बात आई है अखबारों में और वो ही ये बात कह सकता है क्योंकि ब्रह्मा तो शरीर छूट गया। ब्रह्मा अंत तक रहता है क्या? तो उनके लिए ये बात लागू भी नहीं होती और कह भी नहीं सकता। वैसे भी मुरली ने बोला है, गोपियों को भगाया, मक्खन चुराया, ये सारी कथा कहानी है शिव बाबा की। फिर एक मुरली ने बोल दिया है, ये सारी कहानी है प्रजापिता की। नाम डाल दिया है कृष्ण का। तो कृष्ण तो बच्चा है, प्रजापिता तो बाप है। बाप की कथा कहानी में कृष्ण बच्चे का नाम डाल करके शास्त्रों में एडल्ट्रेशन कर दिया, इसलिए सारी दुनिया भगवान बाप को भूल गई, निराकार को भूल गई कि निराकार भी साकार बनता है, एक व्यापी होकर के आता है। सारी दुनिया में सर्वव्यापी का ज्ञान फैल गया। और श्री कृष्ण का भक्त अति प्रिय भक्त है विदुर। कृष्ण का प्रिय भक्त है, कृष्ण का बच्चा नहीं है, वी माने विशेष। माने क्या? विशेष ज्ञानी। वो शिव बाबा का बच्चा है, भक्त शास्त्रों में ऐसा कह दिया। और डीके वाले बोलती है निराकारी बिंदु याद के करने की है, निराकारी बिंदु को याद करने से डीके वाले की है, हमको सब कुछ मिलता है, निराकारी बिंदु तो आमतौर पर नहीं दिखाता, फिर ये कैसे होते हैं बाबा? वो कहते हैं तो झूठ कहते हैं ना। निराकार से क्या निराकारी वर्षा मिलेगा, साकार से साकार में वर्षा मिलेगा। स्वर्ग साकार में होगा या निराकार में होगा? स्वर्ग तो साकार में होगा। निराकारी जो वर्षा कहते हैं, निराकार को याद करने से हम वर्षा लेंगे तो वो लंबे समय तक पड़े रहेंगे परम धाम में। लो ले लो निराकारी वर्षा। जिनको साकारी ही वर्षा लेना है उनकी बुद्धि में बैठता है कि वो निराकार साकार सृष्टि में आकर के साकार में प्रवेश करता है और साकार में आकर वर्षा बनता देता है। साकार में बाप बनता है, साकार में टीचर बनता है, साकार में सदगुरु बनता है, साकार में ही सब प्रकार के संबंध होते हैं, संबंधों से ही सुख मिलता है। निराकार से कैसे संबंध जुड़ेगा? रहने वाले 8 घंटे सेवा करना है, लेकिन बांदेरिया माता कैसे सेवा कर सकती है? याद तो कर सकती है, सबसे बड़ी याद की सेवा चलेगी अंत में। वो विश्व की कल्याण को ऐसा संकल्प करने में 1 मिनट में हो जाता है बाबा, और फिर 8 घंटे तक कैसे? 1 मिनट में हो जाता है याद, याद की यात्रा 1 मिनट में पूरी हो जाती है? नहीं, विश्व की कल्याण हो ऐसा संकल्प। विश्व का कल्याण हो तो एक बार संकल्प करने से हो जाएगा? हाँ, लगातार लगन लगी रहे और उस लगन लगातार लगी रहने के भाव स्वभाव को पक्का करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़े। इसलिए पूछा था।
समझा सकते हैं ना क्या, वो तो समझाते ही थे। हाँ, तो दोनों ही अलग अलग थे या एक ही है? कौन दोनों अलग अलग है? पीयू की वाणी जो है वो संस्कृत की गीता की व्याख्या है, जैसे आदि में व्याख्या करते थे वैसे अंत में भी व्याख्या करके झूठी गीता को सच्ची गीता बनाए देते हैं। हाँ, मनुष्य सच्ची गीता को झूठी गीता बना देते हैं और भगवान आकर सच्ची गीता, झूठी गीता को सच्ची गीता बना देते हैं। द्वापर का जब आदि हुआ तो शास्त्र बने ना, शास्त्रों में पहला मुख्य शास्त्र कौन सा बना? गीता। तो सतो प्रधान थी या तमो प्रधान थी? सतो प्रधान सच्ची गीता होगी या झूठी गीता होगी? सच्ची गीता, सच्ची गीता थी। बाद में मनुष्यों ने इंटरप्रेशन करके उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया और झूठी गीता बना दी। तो मनुष्यों ने झूठी गीता बनाई, भगवान आकर उसको सच्ची गीता बनाते। और पीयू की वाणी दो तरीके से चला ना यज्ञ के आदि में, पीयू की वाणी दो तरह से चला यज्ञ के आदि में। कैसे? एक बाप के द्वारा डायरेक्ट। डायरेक्ट बाप कैसे चलाएगा? डायरेक्ट सेवक राम बाप उस समय मौजूद थे ना। सेवक राम बाप ही वही तो फिर पीयू हुआ? नहीं, उसमें प्रवेश करके सुप्रीम सर शिव बाप की वाणी एक टाइप का हो गया। बाद में सेवक राम बाप जब यज्ञ छोड़कर चले गए माता के द्वारा सुप्रीम सोल शिव बाप, तभी तो कृष्ण का नाम हो गया। ऐसे नहीं, वो भी पीयू की वाणी बताते हैं ना। वो कोई पीयू की वाणी थोड़ी ही है, पीयू माने बाप। हाँ, जगदम्बा माँ में प्रवेश। जगदम्बा माँ बाप है क्या? फिर तो बाप तो नहीं है, है तो माँ ही। फिर नहीं, वो लिखवाती थी ना ब्रह्मा, भले लिखवाती थी लेकिन बाप तो नहीं है ना वो। वो लिखवाती है तो उसने कृष्ण को भगवान मान लिया, कृष्ण को भगवान साबित कर दिया, या भगवान की से भगवान जो असली भगवान है उसको भगवान साबित किया, तो फिर झूठी गीता हो गई ना। मतलब बाबा, वो जो उनके वाणी से सेवक राम के रूप में जो चलाया वो लिखकर कराची में तक लाए थे? हाँ, वो व्याख्या है, वो कहीं कराची में बताते हैं कहीं दबा दी गई है। वो लाए माउंट आबू? लाए नहीं, माउंट आबू से लाए, सिंध हैदराबाद से नहीं लाए। जो वाणी जो कुछ चली सिंध हैदराबाद में, जो व्याख्या गीता की निकाली गई पीयू के द्वारा, वो सारी व्याख्या कराची में ला करके उन्होंने दबा दी। हाँ, लिख करके लाए, लिखे, लिखते रहे और बाद में कराची में दबा दी। हाँ, और द्वापर के पहले शास्त्रकार न थे न शास्त्र थे? हैं? सच्ची गीता बनाया द्वापर के पहले? नहीं बनाई द्वापर के पहले, तो त्रेता और सतयुग था, वहाँ थोड़ी गीता बनती है। त्रेता के अंत में, द्वापर के पहले, द्वापर के आदि में, आदि में शास्त्रकार ने सच्ची गीता बताया बनाई। हाँ, हाँ, वो ही तो झूठी गीता बना दी मनुष्यों ने इंटरप्रिटेशन करके। इंटरप्रिटेशन करके वो झूठी गीता बना, झूठी गीता बन गई। इंटरप्रिटेशन के पहले आज में, इंटरप्रिटेशन के पहले सच्ची गीता थी। हाँ, वो कहाँ गया? लोप हो गई। जैसे अभी बाबा की बताई हुई जो वाणी है, व्याख्या है,
जब विनाश हो जाएगा तो लोप हो जाएगी। ऐसे ही वहाँ भी एक तरफ गीता भी चली, गीता की गीता वाणी भी चली, दूसरी तरफ विनाश भी हुआ था। अभी भी तो ऐसे ही होना है, एक तरफ सच्ची गीता और दूसरी तरफ विनाश। गीता है काय का शास्त्र, फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। तो सच्ची गीता निकलती है तो फैमिली प्लानिंग हो जाती है दुनिया की। माने सच्चे ही रहेंगे और झूठे झूठे सब खलास हो जाएंगे। तो कितने सच्चे रहेंगे है? भगवान बाप के जो आत्मा बनने वाले बच्चे हैं वो ही सच्चे रहेंगे। थोड़ा भी देहभान रह गया, आत्मिक स्थिति न बनी तो खलास हो जाएंगे। आत्मा ही सच्ची है या देह सच्ची है? तो जो आत्मा बन जाएंगे वो रहेंगे, देहभान रह जाएगा तो परमधाम में जाना पड़ेगा शरीर छोड़ करके। आत्मा बन जाएंगे तो शरीर भी रहेगा, शरीर रूपी नैया भी रहेगी, उस नैया में बैठने वाला बिठैया भी रहेगा। कर्नाटक में कार्तिक मास में शिव की पूजा ज्यादा होती है। बाबा अक्सर बोलते हैं श्रावण मास में शिव की पूजा ज्यादा होती है। यहाँ तो श्रावण मास में कृष्ण की पूजा ज्यादा होती है। हाँ? श्रावण के महीने में शिव की पूजा होती है। इधर कार्तिक मास में उत्तर भारत में श्रावण के महीने में यहाँ मना जो भारत का विदेश कहा जाता है वहाँ कृष्ण की मान्यता ज्यादा है। अंग्रेज लोग लॉर्ड कृष्ण की हिस्ट्री को जानते हैं थोड़ा बहुत या शिव बाबा की हिस्ट्री को जानते हैं? तो उसका फाउंडेशन यहाँ पड़ा हुआ है। यादव कहाँ के रहने वाले हैं? कृष्ण यादव था या पांडव था? यादव थे। यादव रहने वाले कहाँ के हैं? विदेश के हैं या स्वदेश के हैं? विदेशी हैं। तो भारत का विदेश है दक्षिण भारत, तो किसको मानेंगे? कृष्ण को ही मानेंगे ना। पांडवों को बताया गया है कि पांडव जो है पंडा के पुत्र हैं, उन्होंने कृष्ण को पंडा बता दिया। लेकिन पंडा तो अलग है, पांडव अलग हैं और कृष्ण तो अलग है। कृष्ण की को हम पंडा थोड़ी कह सकते हैं। पंडा बाप तो शिव बाबा है ना। कहते कृष्ण ने द्वारिका बसाई, द्वारिका समंदर के बीच में बसाई, बाद में बसाई ये पहले थी। तो ऐसे ही ये जो विदेश हैं वो सब बाद में हैं। अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, अरब देश है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब विदेश हैं। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं, इसका क्या मतलब है? जो कृष्ण की जीवन कहानी में जो बातें आई हैं, वो क्राइस्ट की जीवन कहानी में दिखा दी है। कृष्ण के लिए भी कहते हैं कुंवारी का बच्चा था, क्राइस्ट के लिए भी क्या कहते हैं? कुंवारी का बच्चा था। अब कहीं कुंवारी का बच्चा होता है क्या?
संगम युग की जो बात कृष्ण के लिए है वो तो यहाँ बेहद की बात है, कोई स्थूल बच्चा पैदा होने की बात नहीं है। और कृष्ण का देवकी निकट है, उसकी बच्चा है कृष्ण, तुम्हारी का बच्चा ऐसे। बाबा ने कर्ण और कृष्ण को एक ही राशि लेकर के एक ही आत्मा साबित किया है, जो कर्ण है वो ही कृष्ण है। माना कुंती का पुत्र। हाँ जी। दादा बच्चे असली नाम नहीं बाबा, बच्चे का क्या नाम? बाबा ने तो नाम के साथ साथ रूप के लिए भी हिस्ट्री बता दी, कहाँ से निकालो। बाबा ने तो मुरली में बोल दिया है, जो यज्ञ के आदि में जो हुए थे बाद में चले गए, उन बच्चों के फोटो भी इन दीदी दादियों के पास हैं। आप तो सिर्फ नाम की बात पूछ रहे हैं, बाबा ने तो उन फोटो का भी बात 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 बता दी कि फोटो उनके पास रखे हुए हैं। जिनके पास फोटो रखे हुए हैं तो नाम उन्हें नहीं मालूम होगा, तो वो ही प्रश्न का जवाब है मुरली में। राधा बच्ची नाम क्यों रखा है ऐसे पूछते हैं। राधा बच्ची नाम समझने के लिए रखा है, समझाने के लिए। बाबा मैं आज बच्चों को भी फोटो क्या होगा? जो बच्चे छोड़ के चले गए उन बच्चों के इनके इनके पास फोटो भी है, स्पेशल पार्ट बजाया होगा ना यज्ञ के आदमी, तो फोटो नहीं होंगे। फोटो खींचने के तो ये लोग बड़े शौकीन थे। हाँ क्लैरिफिकेशन है, फ्रूट्स अलग अलग फ्रूट्स को एक साथ नहीं खाना, अलग अलग फ्रूट्स को एक साथ नहीं खाना। वैसे ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाना चाहिए, अलग अलग ड्राई फ्रूट्स एक साथ नहीं। ठीक बात है, कोई भोजन करो तो आप भी विचारी करो, बेविचारी भोजन क्यों बनाओ? अच्छा ज्यादा ज्यादा एक की जगह दो खा लो, सब्जी के साथ रोटी खा लो। हाँ। जो रस है ना, हर चीज के रस अलग अलग होते हैं, तो पचाने में एक रस की अभ्यस्तता सहज रहती है। अभी एक चीज खाई, फिर दूसरी चीज खाई, फिर पहली खाई, फिर तीसरी खाई, ऐसे बार बार रस बदलने से आंतों को पचाने में मुश्किल होता है। एक चीज एक प्रकार की पचाने में एक प्रकार का रस शरीर छोड़ता है, और दूसरे प्रकार का जब हम खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए दूसरे प्रकार का रस निकलता है, तो रस बदलते जाते हैं। इसलिए एक बार में एक ही चीज खानी चाहिए। जैसे दूध और दही विरोधी प्रकृति के हैं, तो दूध भी हम खा लें और साथ में दही भी खा लें, तो दूध के कीटाणु अलग हैं और दही के कीटाणु अलग हैं, तो झगड़ा हो जाएगा। ये कहा है ज्ञान का अर्थ है अपना 84 जन्म का ज्ञान लेना है। 84 जन्म का ज्ञान लिया अपने आत्मा के सभी जन्मों की अगर हमको जानकारी हो गई तो ज्ञान पूरा हो गया, कुछ लेने का नहीं रहा। इच्छा तो 21 जन्म का ज्ञान हो जाएगा तो भी नहीं रहेगी, इच्छाएं ये 63 जन्म की होती है। देवताओं की तो इच्छा मात्रम अविद्या, सब कुछ मिला हुआ है। बारह सूर्यवंशी मणके है ना, उनमें पहले चार को अष्टदेव कहते हैं। पहले चार को अष्टदेव नहीं, पहले चार जो हैं वो रुद्रमाला से हैं, सूर्यवंश से, और उसके साथ जो साथी बनते हैं
वो चंद्र वंश से हैं, दोनों मिलाकर के अष्टदेव कहे जाते हैं। बीच वाला चार को क्या कहते हैं? आखिरी चार को नष्टदेव कहते हैं। नष्टदेव चार को नहीं कहते हैं, आखिरी चार बारह है ना, सूर्यवंशी में बारह हैं, उनमें पहले चार वो अष्टदेवों के अंदर तो हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि वो युगलमण के हैं। तो जब युगलमण के हैं तो चार युगल हो गए, देव कभी सिंगल नहीं होते, तो देव बाद में जो आने वाले हैं वो सहयोगी हैं, मात्र असिस्टेंट हैं। जैसे इस्लाम धर्म का असिस्टेंट मुस्लिम धर्म, जैसे बौद्ध धर्म का असिस्टेंट संन्यास धर्म, ऐसे वो असिस्टेंट हैं। तो उनको अष्टदेव नहीं कहते हैं? हैं अष्टदेव, रुद्रमाला के हिसाब से अष्टदेव है, विजयमाला के हिसाब से अष्टदेव नहीं है, आखिरी चार। उसके बाद जो चार आते हैं वो नष्टदेव है। क्रिश्चियन दोनों ही असिस्टेंट नहीं है क्या? क्रिश्चियन और क्रिश्चियन और सिख धर्म किसी को भी असिस्टेंट नहीं है क्या? किसी को क्रिश्चियन धर्म और सिख धर्म हाँ किसी को भी असिस्टेंट नहीं है क्या? असिस्टेंट नहीं क्या? असिस्टेंट वो तो खुद ही असिस्टेंट है, वो ही मुख्य है सिख धर्म। सिख धर्म तो खुद ही असिस्टेंट, असिस्टेंट का भी असिस्टेंट है। चंद्रम से वो सिख धर्म निकलता है ना? चंद्रमन से हाँ, वैसे ही क्रिश्चियन धर्म तो चंद्रवंश भी तो असिस्टेंट है ना सूर्यवंश का, तो जो असिस्टेंट है उस असिस्टेंट से भी वो असिस्टेंट निकलता है सिख धर्म, और क्रिश्चियन से निकलते हैं रशियंस। क्रिश्चियंस के दो ग्रुप हैं, एक आस्तिक है दूसरे नास्तिक है। और हाँ जी छत्तीस का टोटल विनाश जब होगा तब माउंट अबू भी खत्म हो जाएगा। हाँ जी हाँ, उस समय वैकुंठ जो आठवां मंडल है वो क्या होगा? वो सतयुग से तैयार हो चुका होगा, जब वो पूरा तैयार हो जाएगा तो इसका विनाश हो जाएगा। टोटल विनाश के बाद वो वैकुंठ का अस्तित्व कैसे हो? उससे पहले ही स्थापना हो जाएगी, उसके बाद क्यों? स्थापना तो अठारह के बाद ही होगा ना, 36 के समय वैकुंठ का, 36 के समय वैकुंठ संपन्न स्टेज में पहुंच जाएगा, उसे कहेंगे स्वर्ग, जब कृष्ण बच्चे का जन्म होगा बच्चे के रूप में, वही सतयुग से कर्म, वही से सतयुग की शुरुआत। धर्म का सिख धर्म का असिस्टेंट कौन सा धर्म है? सिख धर्म तो खुद ही लास्ट धर्म है। सिख धर्म का असिस्टेंट कहें उन सिखों को जो आज आतंकवादी बन चुके हैं, खुद को कहेंगे असिस्टेंट। जैसे क्रिश्चियंस में जो नास्तिक हैं वो रशियंस हैं, है वो धर्म नहीं है बट पंथ है। शंकर और विष्णु का मंदिर क्यों है वो साकार में थे इसलिए उनके मूर्तियां मंदिर है? मूर्तियां तो तभी बनती है जब कोई साकार में हो, नहीं तो मूर्तियां कहां से आ गई? मूर्त माने साकार, अमूर्त माने निराकार, जिसकी मूर्ति ना हो अमूर्त, माने मूर्ति जिसकी है ही नहीं वो अमूर्त, और जिसकी मूर्ति है
तो साकार हुआ। शंकर को कहेंगे मूर्त कि अमूर्त, मूर्ति है और शिव, शिव की, शिव को कहेंगे अमूर्त। इसलिए उनका लिंग रूप बनाया जाता है, हाथ पांव नाक कान नहीं होते हैं। बाबा आठवां प्रश्न के लिए बस उतना ही जवाब देना है। आठवां प्रश्न है ना, आठ प्रश्नों में आठवां प्रश्न क्या है? वो शंकर और विष्णु का मूर्ति साकार में नहीं है तो मूर्तियाँ और मंदिर कैसे बनी, ऐसा प्रश्न कैसे बन गए? हाँ, इसका मतलब साकार में है जरूर, साकार में हुए हैं तब तो उनकी मूर्तियाँ बनी है। ब्रह्मा की भी मूर्ति बनी है तो साकार में हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ, उनकी सिर्फ एक ही मूर्ति दिखाई जाती है, प्रसिद्ध है अजमेर में, अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है, बाकी दुनिया में ब्रह्मा के मंदिर नहीं है। और शंकर और विष्णु के तो मंदिर है गांव गांव में है, उनका प्रचार प्रसार तो बहुत हुआ है। मंगलवार है ना, मंगलवार का कौन सी धर्म का है? मंगलवार कौन सा है माना? मंगल, हाँ हाँ, वो कौन सी धर्म का है? मंगलवार, मंगलवार हनुमान का दिन कहा जाता है। हनुमान कौन है? हनुमान कौन है? यज्ञ भी बनता है और ब्रह्मा भी बनता है। हनुमान बनता है, ब्लैक आइस में पिघलता है। है फिर राम कौन है? अगर हनुमान ही राम बनता है, राम ही हनुमान बनता है, सब कुछ राम ही है ना? वो तो वो एक अलग बात, वो एक अलग बात कि बीज में सब कुछ समाया हुआ है। सारी दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं है जो तेरे पर लागू न होती हो, वो तो ठीक बात है। अगर बीज में पत्ता नहीं है तो पत्ता निकला कहाँ से? बीज में अगर दासक तो भाव नहीं है तो दास आया कहाँ से? बाप में तो सब कुछ समाया, लेकिन प्रैक्टिकल बड़ा पार्ट देखा जाता है ना, तो वो पार्ट है किसका? हनुमान का पार्ट तो ब्रह्मा का पार्ट है। तो ब्रह्मा जो है वो ही सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, हवा में उड़ते फिरते हैं। अभी जितने भी काम होने वाले हैं एडवांस पार्टी में, एडवांस पार्टी के बच्चों के द्वारा, वो सारे कार्य सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं कराएंगी या हम बच्चे करेंगे? सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं ज्यादा पावरफुल है, वो सारे कार्यों को संपन्न करा देंगी। लेकिन उनका गायन नहीं होगा, जिनका शरीर है उनका गायन होता है, जिनका शरीर नहीं है उनका गायन नहीं होता है। मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती हैं, पूजा नहीं होती है। नाम शरीर का लिया जाता है, सूक्ष्म आत्मा का नाम थोड़ी लिया जाता है। रोला रोला माने बेघन, रोला पड़ गया, बेघन पड़ गया, हिंड्रेंस आ गई। जैसे गाड़ी चलती है बीच में कोई पत्थर पड़ गया, गाड़ी उसमें अटक गई तो कहेंगे रोला पड़ गया। हाँ,
ओम शांति।